राजगढ़ से हमारे संवाददाता कौशल ललित की रिपोर्ट। बैस समाज के बैनर तले महिला मंडल समिति का गठन, नव अध्यक्ष और समिति का स्वागत अभिनंदन जिले के अतिथियों ने किया। राजगढ़ के छापीहेड़ा मध्य प्रदेश बैस महासम्मेलन जिला राजगढ़ के जिलाध्यक्ष कैलाश नारायण गुप्ता के नेतृत्व में और महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष कीर्ति मेहता, कार्यकारिणी अध्यक्ष जया भंडारी, सरिता अग्रवाल व संतोष महेश्वरी द्वारा नगर में बैस समाज के महिला प्रकोष्ठ समिति का गठन उपस्थित महिलाओं की सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें संरक्षक ललिता मित्तल, अध्यक्ष गीता गुप्ता, उपाध्यक्ष सपना गुप्ता, रेखा सेठिया, ललिता गुप्ता, पूजा सेठिया, महामंत्री सपना जैन, कोषाध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, महासचिव सोना सेठिया और हेमलता रामपुरिया मनोनीत हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह संगठन बैस समाज में सम्मानित सभी घटकों को एक कर संगठित करने की सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर जनपद सदस्य निर्मला गुप्ता, वीरेंद्र जैन, कैलाश अग्रवाल, मुकेश चौधरी, कुमारी मित्तल, मेघा चौधरी और महेश गुप्ता भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लटेरी से हमारे संवाददाता अंसार मंचरी की रिपोर्ट। आनंदपुर मार्केट की नालियां साफ न होने के कारण लोगों के घरों में भरा पानी। आनंदपुर जोरदार बारिश के चलते मार्केट की नालियों में कचरा साफ न होने के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया, जहां तक कि उनके खाने पीने का सामान सब पानी हो गया। यह नालियां साफ न होने के कारण नालियों के ऊपर से पानी लोगों के घरों में भर गया। यह सब खाने पीने का सामान, यहां तक कि सोने के लिए भी जगह नहीं बची। बिशन सिंह ने बताया कि सरपंच को पहले ही सूचित करने के बाद भी नालियों की साफ सफाई नहीं की गई, जिससे लोगों को काफी रोष है। बच्चों और पूरे परिवार वालों का कहना है कि हमारे पास रात में बसेरा करने के लिए भी जगह नहीं है, ना ही खाने के लिए कोई जगह बची है। हमारा जो खाने का सामान था सब पानी में खराब हो गया और हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ गुजारा करेंगे। यह प्रशासन नेता कोई सुनने वाला नहीं है। नाली चौक का कारण है। कैसा नाली चौक थी, ये सब पानी अंदर आया है। नाली चौक हमने शिकायत की कहीं पर, ये साफ सफाई कैसी? ये नाली साफ करवा, जो बरसात का पानी हमारे इधर भरा जाता है। अच्छा, फिर भी नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई साफ। अच्छा।